हेलो फ्रेंड्स, मयूर अगेन। आशा करता हूँ आपको मेरा पुराना वीडियो पसंद आया होगा, जिस पर मैंने माइंड और उसके इमोशनल स्टेट्स के बारे में बात की। आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत है। इसको हम लव कहते हैं, प्यार कहते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जिसको हम एक लाइन में या बहुत सारे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लव एक ऐसी फीलिंग है जो कि एक इंटेंस सेंस ऑफ बॉन्ड है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, चाहे डॉटर एंड फादर के बीच में हो, चाहे सन एंड मदर के बीच में हो, और इस तरह से डिफरेंट रिलेशनशिप्स के बीच में। तो मैं देखते हैं कि लव किस तरीके का होता है, कितनी कैटेगरीज होती है लव, और किस तरह से जब हमें प्यार होता है तो हमारी बॉडी में क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, क्या रिएक्शन होते हैं, जिसके बेसिस पर हमारे एंटायर न्यूरोलॉजी रिस्पॉन्ड करती है। सो अगर मैं बात करता हूँ लव को, मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूंगा। पहली कैटेगरी अनकंडीशनल लव, यानी कि स्पिरिचुअल लव। दूसरी कैटेगरी इमोशनल लव। तीसरी कैटेगरी जिसके अंदर हम एक कंडीशन से बंधे होते हैं, कंडीशनल लव जिसे हम कह सकते हैं, कंडीशनल स्टेट कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया इसका मतलब मैं उससे प्यार करता हूँ, तो एक कंडीशनल लव हो जाता है। इमोशनल लव होता है कि जब हम बात करते हैं कि किसी ने हमें आई लव यू कहा या किसी ने हमें प्यार के लिए बोला, तो हम वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं उससे और उस दे रहे हैं उसको पसंद करते हैं। और स्पिरिचुअल लव होता है जो कि अनकंडीशनल लव होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। तो इस तरह से लव डिफरेंट स्टेट्स के अंदर होता है, डिफरेंट मेंटल स्टेट्स प्रोड्यूस करता है। लव कैसे स्टार्ट होता है, लव बहुत से रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो वो एक लस्ट से स्टार्ट होता है, फिर वो अट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्डिंग बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स वो एक स्पिरिचुअल लव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से लव की भी डिफरेंट स्टेजेस एंड स्टेट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमें प्यार होता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, किस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो मान लेते हैं ह्यूमन बींग हमारा नर्वस सिस्टम है। हमारा नर्वस सिस्टम फ्रेंड्स स्टोर हाउस होता है इमोशंस का, यही से सारे इमोशंस जनरेट ट्रिगर होते हैं। इसको हम ब्रेन का नर्वस सिस्टम कहते हैं, हम इसको एज एन एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। सो इस तरीके से डिफरेंट फीलिंग्स के हिसाब से डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जब हम प्यार में प्लेजर की स्टेट में होते हैं, तो जब हम प्यार में एक बॉन्डिंग की स्टेट में होते हैं, और जब एक स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ लव होता है, तो किस तरह के हार्मोन और केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो जब हम एक प्लेजर की स्टेट में होते हैं तो एक डोपामाइन, न्यूरोपेप्टाइड या एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होता है। जब हम एक बॉन्डिंग की स्टेट में होते हैं, जब ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल हमारे बॉडी में जनरेट होता है या सिक्रेट होता है। और तीसरा, जब हम एक अनकंडीशनल प्योर स्पिरिचुअल लव में होते हैं, सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोपेप्टाइड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूरोपेप्टाइड है, जनरेट करता है। न्यूरोपेप्टाइड क्या होता है? न्यूरोपेप्टाइड बेसिकली ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो कि माइंड से किसी भी पर्सन को जब हम परसीव करते हैं या उसके टच में आते हैं, तो माइंड में जो भी इमोशन जनरेट होते हैं उसको हमारी बॉडी में, हमारी न्यूरोलॉजी में ट्रांसफर करता है। तो हमारी न्यूरोलॉजी कैसे काम करती है, इस तरीके से वायरिंग होती है हमारी बॉडी में, ये कनेक्शंस न्यूरॉन्स के बीच में बॉन्डिंग होती जाती है, और इस तरीके से वो इमोशन यहाँ से जो ट्रिगर होता है वो पूरी डिफरेंट सेल्स में फैलता है। ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं लाइक डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, और हर न्यूरोट्रांसमीटर के साथ हमारे सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और हमारे डीएनए के अंदर उसको एनकोड करते हैं। इसके बेसिस पे रेलेवेंट प्रोटीन जनरेट होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट फीलिंग ऑफ लव के टाइम पे डिफरेंट केमिकल्स सीक्रेट होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ये लव हमारी जिंदगी से चला जाता है किसी भी रीजन से, अगर कोई किसी डेथ को एक्सपीरियंस करता है, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स होता है, या इस तरीके से जब भी वो लव हमारे लाइफ में नहीं रहता, तब हमारी बॉडी में इन केमिकल्स का डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जिसके बेसिस पे हमारा माइंड एक डिफरेंट इमोशनल स्टेट को एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी या डिप्रेशन।
इस तरह की हमारी स्टेट ऑफ माइंड जनरेट होती है और स्ट्रेस हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं कोर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रेट होते हैं और इसी तरीके से वो इमोशंस को, डिप्रेशन के बैड फीलिंग्स को ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट सेल्स में, जिसकी वजह से बहुत माना गया है कि स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम पे इम्पैक्ट होता है, कैंसर के चांसेस होते हैं, तो इस तरीके से हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से ये इम्पैक्ट करता है। तो किसी भी तरह से लव के जाने में हमारी जो पेन होती है वो हमारे बॉडी में किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो फीलिंग्स है ये हमारे माइंड में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, एक मेमोरी में एक इवेंटों की तरह सेव रहती है, जिससे रिलेटेड हमारे कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ ऑडियो होते हैं और कुछ फीलिंग्स होती है। सो इन ये इवेंट जब भी हमें याद आता है उस पर्सन से रिलेटेड, वो हमें इस सेम स्टेट के अंदर ले जाता है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस और स्टेट ऑफ डिप्रेशन, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन और स्ट्रेस के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो इस तरह से हमारी मेंटल स्टेट चली जाती है, हम उन रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाते, हम एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे माइंड में ये इवेंट ट्रिगर होता है, बहुत सारी मेंटल वॉइस जनरेट होती है, हम लाइफ को वर्थलेस मानना महसूस कर देते हैं, हम सोचते हैं कि लाइफ वहीं स्टैग्नेंट हो गई। और बहुत से लोग इस दिन का लव बहुत इंटेंस होता है, वो इस इवेंट को कैरी कर रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ इयर्स, 5 साल 10 साल 15 साल, और आज भी वो उस इवेंट को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं और उनकी लाइफ के अंदर डिप्रेशन और स्ट्रेस के स्टेट्स हैं। इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इस इवेंट को बदल सकते हैं। जो पास्ट से रिलेटेड बैड मेमोरी, पास्ट से रिलेटेड जो मेमोरीज हैं उस लव के लिए, उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम उसके मीनिंग को चेंज कर सकते हैं, हम उस मेमोरी को, उस मेमोरी के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, या उस पर्सन की मेमोरी ही उसके माइंड से हम इरेज कर सकते हैं। इस इवेंट को अगर हम रिजॉल्व कर दें तो हम उसकी इस स्टेट में जाने से उसको रोक पाएंगे, इस नेगेटिव स्टेट से हम उसको एक पॉजिटिव स्टेट में लिंक कर पाएंगे। तो ये बहुत आसान है, एक बहुत अच्छा टूल है जिसे हम एनएलपी कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था। हम उस टूल को यूज करके इस तरह की हीलिंग कर सकते हैं, जो लोग पास्ट रिलेशनशिप से अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। Thank you again. Have a nice weekend. Enjoy with your family and your loved ones.